जयराम जी के बापा जी, ये लो फिर आ गए तोरा पास। आगे के नहीं आ गए? लेकिन ई का मतलब ई नहीं हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्ती नहीं है हमारे बीच, बता दे रहे हैं पहले ही। लेकिन ये एक दिन है जब हमेशा आते हैं यहाँ। हमारी आई का जन्मदिन है आज। ऐसा मर चुके हम उनके लिए, वो याद नहीं करती हमरे को, हमरे को भी याद नहीं करना है उनको। हाँ बता दे रहे हैं। लेकिन आज के दिन का है, रोक नहीं पाते अपने आप को उनको याद करने से। उका तोरे ऊपर बहुत विश्वास था, उकी वजह से हम तोरे ऊपर विश्वास करने लगे थे, मालूम है ना। लेकिन एक तो बात जुटला नहीं सकते कि हमरी जिंदगी का हर एक बेहतरीन पल हम उके साथ ही काटे। बहुत याद आती है हमरे को। अरे बप्पा खाम का इमोशनल कर दिया थोबे। ठीक है जाते हैं। हाँ आई का ख्याल रखना, ठीक है चलते हैं। आज मेरी आई का जन्मदिन है तो उसके लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। हे भाई साहब ये क्या हो रहा है? देखिए आज उस औरत की माँ का जन्मदिन है, इस खुशी में सबको ब्लैंकेट बांट रही हैं। अच्छा दादा आपने वो थाली तैयार करा दी है ना? जी जी मैडम। अजीब है आपने अब तक प्याज नहीं काटा, जल्दी काटिए। और आपने अभी तक आटा नहीं गूंदा, मुझे पूरन पोली बनानी है। आप ये जल्दी जल्दी काटिए, बीच से काटिएगा। मैम आपको कुछ चाहिए? मैं बस पानी पीने आई थी। मैम मैं देती हूँ। थैंक यू मैं कर लूँगी। मैं ले हेलो। हाँ मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी मुझे यहाँ पर एक इंडियन फैमिली ने एज अ शेफ हायर किया। मॉम बहुत प्यारी फैमिली है, मुझे तो लग रहा है मैं अपने खुद के घर पर हूँ। भैया ये सब तो ठीक है पर तू है कहाँ? मॉम डोंट वरी सब ठीक है। भैया आई हूँ मैं तेरी। तेरी हर बात समझती हूँ और उस बात के पीछे का मतलब भी समझती हूँ। तुझे नहीं बताना है ना कि तू कहाँ है? मत बता पर प्लीज अपना ख्याल रखना। डोंट वरी मॉम यहाँ पे सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, आप टेंशन मत लो। अच्छा तुझे याद तो है ना आज क्या है? आज तेरी आजी का बर्थडे है। ऑब्वियसली मॉम इतना बड़ा दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। हर साल आई के बिहाफ में तू उनका केक काट देती थी, पर इस साल मैं अकेली हूँ ना तो मुझे ही केक काटना पड़ेगा। आई? हाँ तेजू आई। अच्छा मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय लव यू। हाँ हाँ बाय लव यू। देखो वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं, लेकिन मैंने सुना। तुमने अपने आई से झूठ क्यों बोला? तुमने अपनी माँ से कहा कि तुम्हें जॉब मिल गई है। I'm sorry बेटा लेकिन हमने तुम्हें जॉब नहीं दी है, हमने तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए हायर किया है। और तुमने उनसे कहा कि हम सब तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, मतलब यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब तक तो तुम किसी से मिली भी नहीं हो, तो तुमने क्यों इस तरह झूठ कहा अपनी आई से? अगर मॉम से झूठ नहीं बोलती तो वो फालतू में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती, इसके लिए सोचा झूठ बोलना ही अच्छा रहेगा। जो भी हो मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे बीच बोलने का, लेकिन अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना सच बोलोगी अपनी मम्मी से उतनी खुश रहोगी। नेक्स्ट टाइम से हो सके तो याद रख। जी मैम। आजी बस कुछ दिन और, एक बार सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए देन नो हाइड एंड सीक, सीधा आकर आपके गले लग जाऊंगी और कहूंगी ओवी मेरी आई है और मैं आपकी पोती। वाह क्या प्रेजेंटेशन है,
मैंने कहा था ना अर्चना, लड़की में बात है। ये प्रेजेंटेशन वगैरह इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता है। खाना बनाना आना चाहिए, खाना बनाने की कला होनी चाहिए। मैम सर द डिनर इज रेडी। यहाँ पे जितने भी लोग रहते ना उनके सबके पसंद का मैंने एक एक डिश बनाया। मैम ये है बैगन का भरता, स्पेशली तेजू मैम के लिए बनाया है मैंने। ये है सिवाई की खीर पुष्टि मैम के लिए, और ये मानव सर के लिए आलू वड़ी, और आपके लिए पूरन पोली। तुम सबकी पसंद कैसे जानती हो? ये जानना कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, यहाँ पे इतने सारे सर्वेंट्स हैं जो यहाँ सालों से काम करें, बस उनसे पूछ लिया। ओके एनीवे शुड आई सर्व द डिनर? जब तक अपनों के हाथों से खाना सर्व ना हो तब तक खाने में मजा ही नहीं है। आई मीन जिसने खाना बनाया उसके हाथों से। थोड़ी देर रुक जाओ, हम हमारे फैमिली का वेट कर रहे हैं। ओके मैम मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप लोग चलिए। आजी, I'm sorry आजी, मैं लेट हो गई। हैप्पी बर्थडे आजी, वंस अगेन। थैंक यू पुष्टि। हेलो, हाँ मैंडी बोलो। व्हाट? आज रात को हम सैंड्रा के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। I don't know यार, I'm not sure मैं आऊंगी नहीं आऊंगी। I'll try. अच्छा लिसन, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे भी घर पे बर्थडे है ना इसलिए। सॉरी यार। पुष्टि, सैंड्रा की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ तो जाओ। रियली आजी, मैं जाओ? अब नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मैं जाती हूँ। ओके बाय आजी, बाय अजवा, सी यू। अर्चना मैं सबको बुला कर लाता हूँ, बैठो। थैंक यू। मानसी, मानसी, मानसी ये देख, ये देख पेपर में क्या छपा हुआ है। इसको बोलते हैं सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला। अभी तक जो लोग हम पर उंगली उठाने में लगे हुए थे ना, अब वही लोग इन कर्मकर्ष की पोल खोलने में लगे हुए हैं। अब देखना सबकी आंखें खुल जाएंगी और तू ना सर उठाकर बाहर जा सकती है। बहुत खुश हूँ मानसी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे कावा परेशान बाबा, आज चिल्ला रहा सब अभी पढ़ेंगे ना। शाबाश, जय बाज, अब ससुराई रौनक की पोल पूरी दुनिया के सामने आंख खुल गई। अब देखते हैं कौन मेरी बेटी रानी पे आंख उठाता है। शाबाश। बाबा अब ये भूल गए हैं शायद कि आपकी एक बेटी उसी घर की बहू है, न जाने उसे वहां क्या क्या सहना पड़ रहा होगा, कैसे रह रही होगी वो वहां पर। हेलो, जी हाँ मैंने पढ़ा है, सॉरी नो कमेंट्स प्लीज। थाम वाजुदित तसाच, दिन भर ये फोन बजता रहेगा, हम फोन उठाएंगे दूसरी तरफ से कोई कुछ अनाप शनाप बक देगा, गुस्से में हम जवाब दे देंगे, फिर मीडिया वाले बात का बतंगड़ बना देंगे। लेट्स अवॉइड ऑल दिस, फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। राम सिंह सारे दरवाजे बंद कर दो बाहर के, और कोई भी मेरे बारे में पूछे तो से आई एम नॉट एट होम। शरीश काम डाउन, आओ। सही कह रही है मानसी, कल जो तूफान शांत हुआ था कहीं वो आज फिर से। मैं खुद मीडिया से हूं लेकिन कभी कभार ना मुझे खुद के ही लोगों पर उनकी सोच पर शर्म आती है।
कितनी आसानी से सिर्फ अपने ही मतलब के लिए हम लोग किसी की भी लाइफ को कहीं पर भी कैसे भी यूज कर लेते हैं। आई रियली होप कि नरेन अंकिता से मिलकर ये मैटर सॉल्व कर दे, वरना पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ेगा अंकिता को। आओ। सॉरी मैं लेट गया, चलो ब्रेक। अरे कोई आया नहीं? सब वो अत्तू और डैडी आए थे लेकिन वो चले गए क्योंकि बहुत अपसेट थे। किस बात से? कोई बात नहीं, मैंने मना लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ओके सर, लेकिन कैसे? आओ मेरे साथ। मैंने कहा था ना मानव, मैंने कहा था आपसे कि ये सब कुछ मत कीजिए। लेकिन आपको आपको पता नहीं, यहाँ अभी यहाँ कोई नहीं है मानव हमारे लिए वक्त निकाल। सबको सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, सर, मैं केक लेकर आऊँ? आपने खाना नहीं खाया, बट केक तो काट सकते हैं ना? देखो, तुम प्लीज़ मुझे और मानव को अकेला छोड़ दो। हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, और वैसे भी ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। कल से मानव प्लीज़ कह दीजिए कि कल से यहाँ कोई आने वाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब किसी को वक्त ही नहीं है एक दूसरे के लिए, जब कोई है ही नहीं साथ पे बैठ के खाना खाने के लिए, तो यहाँ किसी शेफ का कोई काम नहीं। तुम प्लीज कल से मत आना, जाओ अभी। अर्चना बहुत हर्ट हुई है, अब लगता है सारा गुस्सा इस बिचारी पर उतरेगा। अर्चना, अगर किसी के पास हमारे लिए वक्त नहीं है तो इसमें इसका क्या दोष है? दोष किसी और का नहीं माना, दोष हमारा है। हमने शायद अपने बच्चों को इतना बिजी कर दिया है कि अपने आई बाबा के लिए उनके पास वक्त नहीं। तेजू, वो काम के सिलसिले में बाहर है, पूर्वी इंडिया गई है। चलो वो काम के लिए वहां पर, लेकिन परी यहाँ है, लेकिन एक घंटे का वक्त निकाल कर वो नहीं आ सकती कि बहुत सारा काम है। नीना, सचिन अपनी पार्टी छोड़कर वो हमारे लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा मायने रखते। किससे उम्मीद कर? एक तो देश पराया, उसके ऊपर से अपने लोग भी, अपने होकर भी पराया है। कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। किसी को भगवान ने हमसे छीन लिया, और कोई हमारे साथ होकर भी हमसे बहुत दूर है। अपने बच्चों को बहुत मिस करते। बस सर, मत रो। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? हम है ना एक दूसरे के साथ। बस रोना बंद करो, आज तुम्हारा बर्थडे, आज के दिन तो मत रो। तुम्हें कहा ना मैंने, तुम जाओ भी यहां से। मानव प्लीज इसे चेक दे दीजिए और इसे कहीं ऐसे जाए। लेकिन मैम, आप एक बार खाना टेस्ट कीजिए ना मेरे। और मैम, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे आप रेकमेंड नहीं कर सकती हैं, और आपका रेकमेंडेशन मुझे जॉब दिलाएगा। अरे वो तो हम वैसे भी कह देंगे कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। पर सर, ये तो गलत होगा ना। आप एक बार खाना टेस्ट करके देखिए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। प्लीज सर, प्लीज मैम। क्या हुआ मैम? तुम्हें खाना किसने सिखाया? आई ने। आई ने? आई प्लीज, मुझे ये खाना बनाना नहीं सीखना है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरी बेटी को मैं नहीं, तू सिखाएगी। अच्छा सर, मैम मैं चलती हूँ। सर, अगर आपको किसी का फोन आए तो प्लीज बोलिएगा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। सर, मेरा यहाँ कोई नहीं है, और मुझे जितनी जल्दी जॉब मिल जाए
मेरे लिए उतना ही अच्छा है। और वैसे ही मुझे आज किसी ने कहा है कि अपने आई से झूठ नहीं बोलते, सो आई कान बी लाइंग टू हर एनी मोर। आज आप दोनों को अपना मानकर मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। सुनो, कहाँ जा रही हो? यूथ होटल, आज रात वहीं रुकूंगी, कल सुबह जॉब ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। प्रिया मत जाओ, हमारे साथ यहीं रुक जाओ। क्या, मैं यहाँ? आज के बाद कभी ऐसा मत कहना, तुम्हारा कोई परिवार नहीं, भले ही से तुम्हारी आई, तुम्हारे हाजी है, सुबह तुमसे बहुत दूर हो, लेकिन एक चीज है उनकी तुम्हारे साथ, उनकी कला। इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे आई ने तुम्हें सिखाया, और हो सकता है कि तुम्हारे आई को तुम्हारी आई की आई ने सिखाया हो, वो कला तो तुम्हारे साथ है ना, हमेशा रहे। मैम कहते हैं बड़ों के आशीर्वाद में बहुत जादू होता है, बिगड़े हुए काम भी बना देता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मेरी फैमिली वापस मिल जाए। प्रिया, गणपति बप्पा करे तुम्हें तुम्हारा परिवार जल्द से जल्द वापस मिल जाए, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब कुछ मिले। और हाँ, आज से तुम यही काम करोगी, यही रहोगी हमारे साथ। मतलब हम, मेरी जॉब पक्की यहाँ पर? एकदम पक्की। मैम इस बात पर तो मीठा बनता ही है, मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए केक बनाया, मैं अभी लेकर आती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Archana. Happy birthday to you. आज पहली बार ऐसा लग रहा है मानव कि कोई और है जो मेरा किचन अच्छे से संभाल सकता है। आई, आज मैंने अपने आजी आजुबा के साथ मिलकर आजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ, अपनों की ओर मैंने अपना पहला कदम लिया है। आज पानी नहीं, जूस, ब्रेकफास्ट पे जूस लो। अतु आपका जूस पकड़ो। और ये पोहा, आपको पता है टेबल पे कब से इंतजार कर रहा था पोहा? मैंने इसे उठा के पूछा तो उसने बोला अतु कहाँ है, मुझे अतु के पास ले चलो प्लीज, रोने लगा, इसलिए मैं ले आया। लो नरेन, माला खरस खाए की इच्छा नहीं है। डैड अतु, मैं जानता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन आप ही तो कहती हो ना कि ना खाना कोई भी प्रॉब्लम की सलूशन नहीं है, हमें लड़ना होता है हर प्रॉब्लम से, और अगर लड़ना है तो उसके लिए ताकत चाहिए होगी, और ताकत कैसे आएगी? खाना खाने से। तो आप खाओ ना प्लीज। अब अतु, मुझे पता है कि ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं इस घर में, कहीं ना कहीं उनकी वजह मैं हूँ, लेकिन मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, अब मुझे इस घर के लिए फर्ज निभाना है। प्लीज बात मान लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। कमा तो खाओ, खाओ ना कोए बाबा माला। ठीक है, अगर आप दोनों नहीं खाएंगे तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे, ओके? और आपको पता है अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं दवाई नहीं ले सकता, और अगर दवाई नहीं लूंगा तो अटैक्स आएंगे, अजीब अजीब थॉट्स होंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और काय बोलते हो तू काय तरी? तो फिर दे बाइट, बड़ी बाइट। हैप्पी? गुड। अच्छा नरेन, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। देखो इस केस की वजह से ऑफिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, पर अब केस खत्म हो गया है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो ऑफिस जाना शुरू कर दो। डोंट वरी, हम दोनों यही बात कर रहे थे, हम दोनों आज से ही ऑफिस जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, सर आप जैसे दिखते हैं ना, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं। मतलब ये कि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं पागल हूँ, सारी दुनिया आपको पागल कहती है, लेकिन ये आप पागल तो नहीं लगते? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी
आपने जिस तरीके से डैड को अत्तू को नाश्ता खिलाया, आई एम इम्प्रेस्ड। भूल गई हो, आई एम अ मैड जीनियस, वेरी स्मार्ट, बहुत दिमाग है मेरा, बताली। ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही करंट क्यों लगता है, तुम्हें कभी नहीं लगता ना? इस बार मुझे भी लगा।